Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन और हम सबसे पहले पहला प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिपेयर अ जॉब यूजिंग वायर कट ईडीएम प्रोसेस। वायर कट ईडीएम प्रोसेस क्या होती है ये मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लासेस में भी समझाया है, तो आप ये समझ के चलिए कि इस प्रैक्टिकल में आप लोगों का उसका पूरा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट। आई होप आप सभी ने से पढ़ लिया होगा। सो लर्निंग आउटकम्स क्या हो गए, हम लोग एक वायर का ईडीएम प्रोसेस क्या होती है, कैसे काम करते हैं, ये हम इससे सीख पाएंगे। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। ओके, सो वायर कट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। अब आप लोगों ने नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो आप लोग कि इसमें क्या हो सकता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग पढ़ा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाओ और वो वीडियो देख लो, ठीक है। तो ये जो वायर कट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग होता है ये सिंपली उसी फंडामेंटल के ऊपर में काम करता है, उसी बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर में काम करता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम वायर एज ए टूल यूज करते हैं, ठीक है। वायर को एज ए टूल हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो देखो जैसे कि आप लोगों को यहां पर एक डायग्राम में दिख रहा है, एक डायग्राम में दिख रहा है यहां पर, ये देखिए, ये देखिए यहां पर ये क्या है, मेरा एक वर्क पीस है। अब ये वर्क पीस है, मुझे एक कोई तो भी शेप में मुझे इसको कट करना है। तो मैं क्या करता हूं सॉरी यहां पर वायर लगा देता हूं और ये वायर कैसे क्या करूंगा उसको, मैं वायर को मैं मूव करते जाऊंगा। जैसे जैसे मैं वायर को मूव करूंगा वैसे वैसे क्या होगा, वहां पे कट होते जाएगा, ठीक है। और कुछ इस प्रकार का मुझे यहाँ पर एक कट मिलता है। देखो इस प्रकार का क्या मिलेगा, मुझे एक कट मिलता है और यहाँ पर एक कर्व, क्या बोलते हैं, KERF कर्व जो जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफाइल। इस प्रोफाइल को क्या बोला जाता है, कर्व। ये कर्व यहाँ पे जनरेट होता है, ठीक है। ये कर्व क्या होता है, यहाँ पे जनरेट होता है। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन रहेगा इसका कंस्ट्रक्शन सिमिलर रहेगा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग की तरफ। इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम रहेगा। हम इसकी वर्किंग के ऊपर सीधा जंप करते हैं, ठीक है। तो इसकी वर्किंग के लिए देखिए ये वर्किंग डायग्राम मैंने यहां पर दी है। इस वर्किंग डायग्राम को क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में और अपने मन से इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको लिखना है, ठीक है। इसमें भी सेम रहेगा, इसमें जो आपका टूल रहेगा वो टूल क्या है, आपका वायर है और आपका वर्कपीस यहां पर रखा हुआ है किसी मशीनिंग बेड के ऊपर, किसी भी एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूड यहां पे क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहा हूं। किसके थ्रू कर रहा हूं, एक नोजल के थ्रू कर रहा हूं। मैंने आपको पिछले इसमें एक वीडियो दिखाया था कि एक नोजल के थ्रू वहां पे क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग वहां पे छोड़ा जा रहा है, सॉरी एक आपके इसमें डाइलेक्ट्रिक फ्लूड छोड़ा जा रहा है, ठीक है, पंप के माध्यम से, फिल्टर के माध्यम से, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पर ये जो वायर है, वायर को मैंने नेगेटिवली चार्ज किया, नेगेटिव चार्ज दे दिया और वर्कपीस को क्या किया मैंने, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ओके। अब मैंने उसको चार्ज कर दिया। अब क्या हो गया, मेरा सिस्टम क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया। आयोनाइज किसकी वजह से हो गया, इस डाइलेक्ट्रिक फ्लूड की वजह से हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपने जो वायर है उस वायर को क्या करूंगा, मैं मूव करते जाऊंगा। उस वायर को क्या करूंगा, मैं मूव करूंगा। मुझे जिस जिस शेप में अपना वर्कपीस को कट करना है उस शेप के हिसाब से मैं क्या करूंगा, उसको मूव करते जाऊंगा। जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूं वैसे वैसे क्या होगा, वो कट होते जाएगा। देखो नीचे से भी वायर है, ऊपर से भी वायर है, ठीक है। वहां पे क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा क्योंकि वो आयोनाइज्ड हो गया है। जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगा क्या होगा, वहां पे स्पार्क जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन ये 100% कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, इसमें कुछ तो भी गैप होती है, स्मॉल गैप, 0.005 mm का गैप होता है, ठीक है। जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, स्पार्क जनरेट होता है और ये जो वर्कपीस है आपका बराबर से कट जाता है, ठीक है। तो जो स्लॉट वहां पे जनरेट होता है उस स्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व। क्या बोला जाता है, कर्व। याद रखिएगा, आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, ओके। तो वायर कट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग में जो टूल यूज होता है वो टूल जनरली हम लोग कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, या तो ब्रास का होगा, या तो ब्रास का होगा, या तो कॉपर का होगा, टंगस्टन का भी हो सकता है,
या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो हम लोग EDM प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, वो मटेरियल हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। वायर का डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वायर का डायमीटर हम लोग जनरली 0.076 से लेकर तो 0.3 mm के बीच में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बशर्ते हैं यहां पर करंट जनरेट होगा, तो करंट हम लोग कितना रख सकते हैं, तो करंट जो है 30 एम्पियर के ऊपर हम लोग यूज नहीं करते, 30 एम्पियर के ऊपर हम लोग इसमें यूज नहीं करते। जो कटिंग रेट मतलब कटिंग करने की स्पीड जो है उसकी कितनी है, 10 से 15 mm पर मिनट, 10 से 15 mm पर मिनट, ठीक है। और वायर जिस हिसाब से मूव होता है, तो वायर किस हिसाब से मूव सकता है, तो वो होता है 20 से 150 mm, ये गलत लिख दिया मैंने यहां पर, ठीक है। तो 20 से लेकर तो 150 mm पर सेकंड के स्पीड से वायर भी क्या होता है, मूव होता है। आई होप सभी को इतना समझ में होगा। ये देखो एक कंपनी में वायर कट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग यूज की जा रही है। यहां पर ये आपका वर्कपीस रखा है, ये देखो ये वर्कपीस है, यहां से वायर है, यहां से वायर है, और ये देखो दोनों भी ऐसे कॉन्टेक्ट में आके क्या कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, वायर कट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग काम करता है। यहां से क्या करते हैं, एक और चीज यहां पे मिसिंग है, यहां पे क्या है, यहां से आपको डाइलेक्ट्रिक फ्लूड जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूड को क्या होता है, इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये देखो नीचे में जो दिख रहा है ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक फ्लूड है, ओके। तो आई होप सभी को वायर कट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वायर कट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो ये जो मशीन है ये सिमिलर होता है हम हैंड सॉ ऑपरेशन, जो हम हैंड सॉ ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं उसके लिए हम बहुत अच्छे से हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज टू मेक नैरो कर्व विद शार्प कॉर्नर, मतलब अपने को अगर शार्प कॉर्नर की तरह कुछ बनाना होगा, जैसे कि आपको पहले ही बताया हैंड सॉ जो बना रहे शार्प कॉर्नर कुछ बनाना होगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। इट डज नॉट इम्पोज एनी फोर्स टू वर्क पीस, सो यूज फॉर वेरी डेलिकेट एंड थीन वर्क पीस, ठीक है। बहुत ज्यादा फोर्स हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बहुत ही डेलिकेट मतलब अलग अलग इंट्रिकेट शेप्स अगर अपने बनाने हैं तो वो सब बनाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज कंसिडर्ड आइडल फॉर मेकिंग कंपोनेंट्स फॉर स्टैंपिंग डाइज, स्टैंप जो हम बनाते हैं स्टैंप डाइज वगैरह आप लोगों ने जो देखा होगा, ठीक है। तो ये सब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर कट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू मेक इंट्रिकेट शेप इन पंचेस डाइज, जो डाई और पंच आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी कंपनी में किसी ने जाके अगर कुछ तो देखा होगा या फिर वर्कशॉप में आपने देखा होगा तो पंच और डाई के ऊपर काम किया जाता है, तो उसके अंदर के जो इंट्रिकेट शेप्स होते हैं वो सारा जो है हम लोग वायर कट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग से बनाते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज यह है कि भैया एक्यूरेसी तो बहुत जबरदस्त है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन बहुत अच्छा मिलता है अपने को, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, हार्डनेस और टफनेस जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, कितना भी हार्ड मटेरियल आ जाए कितना भी टफ मटेरियल आ जाए हम उसको खराब हम उसको उसके साथ खेल लेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज तो सबसे बड़ा यही है कि भैया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल ही चाहिए अपने को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल नहीं रहेगा तो हम उसको खेल नहीं सकते। दिस प्रोसेस इज कॉस्टली, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है इसीलिए इसको बहुत ही कम जगह पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, ओके। अब हम कंपैरिजन करते हैं EDM वर्सेस वायर कट EDM को, ठीक है। तो EDM में क्या है, कॉम्प्लिकेटेड शेप हम आसानी से नहीं बना सकते, लेकिन वायर कट में कॉम्प्लिकेटेड शेप आराम से बना सकते हैं। मिरर शेप टूल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड शेप, यहाँ पे जो टूल यूज होता है मिरर शेप टूल, मतलब क्या होता है, जिस प्रकार का आपको कट कराना है उसी प्रकार का आपको टूल बनाना पड़ता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है वायर कट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आपको एक स्मॉल डायमीटर का एक वायर यूज करना है, बस उसी से आपको क्या करना है कट करते जाना है, ठीक है। होल और कट इन द वर्कपीस इज नॉट नीडेड, होल करना या फिर कट करना इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे हम लोग होल और कट दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस रफनेस इज मोर, यहां पे जो है कंटिन्यूअसली हीट जनरेट होती रहती है, EDM प्रोसेस में क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली हीट जनरेट होती रहती है, इसलिए सरफेस रफनेस आ जाती है कभी कभी, और यहां पे क्या होता है वैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। EDM प्रोसेस में माइक्रोस्ट्रक्चर जो है वो क्या हो सकता है डिस्टॉर्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है ना, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट उसमें जनरेट होती है।
यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा, कोई भी कहीं से भी उसको धक्का नहीं बैठ रहा, कुछ नहीं बैठ रहा, इसको जैसे क्या होगा यहाँ पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता। शार्प कॉर्नर्स और एजेस हम लोग इसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन हम वायर कट की वजह से इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। सभी को यह समझ में आ गया हो क्या? ठीक है, तो चलिए आज हमने क्या देखा, डिस्क्राइब कर पाए हम वायर कट ईडीएम मशीन प्रोसेस के बारे में। आज हमने उसकी वर्किंग एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ देख लिया। ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।